हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीर प्रताप सिंह, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट सर्किट एनालिसिस EL 202। उसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स, और हम अभी तक पढ़ चुके हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स में जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स। अब हम चौथे प्रकार के जो पैरामीटर हैं ABCD पैरामीटर्स, उनका अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। तो ABCD पैरामीटर्स जो हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, जो कि ट्रांसमिशन लाइन डिजाइनिंग में काम आते हैं। ABCD पैरामीटर, देखिए ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि एक टू पोर्ट नेटवर्क के रूप में हमने लिया है ट्रांसमिशन लाइन एज ए टू पोर्ट नेटवर्क। तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन में एक सेंडिंग एंड होगा और दूसरा रिसीविंग एंड होगा, ठीक है। सेंडिंग एंड पे जो सिग्नल है वो है V1 और I1, और रिसीविंग एंड पे V2 और I2। जिस तरह से हम ट्रांसमिशन, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, इनपुट पोर्ट पर हम सिग्नल देते हैं और आउटपुट पोर्ट पर प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। तो यहां पे जो हमारे सिग्नल है V1 और I1, वो हम रिसीव करेंगे आउटपुट पोर्ट पर V2 और I2। तो इसी हिसाब से अपने को याद रखना है ABCD पैरामीटर के लिए कि जो V1 और I1 है उसको हम भेज रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं V2 और I2। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे V1 I1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ V2 I2 डैश, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन की, तो हमारा जो सिग्नल होगा आउटपुट पोर्ट पर वो रिसीव करेंगे हम, तो रिसीव करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी I2 डैश हम रिसीव कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क्स का, और टू पोर्ट नेटवर्क्स में हम हमेशा से जो I2 है उसको इनकमिंग डायरेक्शन में लेते हुए आ रहे हैं, तो हम I2 को ऐसे ही लिखेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा है V1 I1 इज ए फंक्शन ऑफ V2 I2 डैश, ठीक है। तो हम इसके माध्यम से इक्वेशन लिखेंगे V1 बराबर AV2 प्लस BI2 डैश, और इसको हम पुनः लिखेंगे V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2, क्योंकि जो I2 है वो I2 डैश के विपरीत दिशा में है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो होगी, क्योंकि I1 फंक्शन है V2 I2 डैश का, तो I1 इज इक्वल टू CV2 प्लस DI2 डैश इज इक्वल टू I1 बराबर CV2 माइनस DI2। ये दो इक्वेशन हमें प्राप्त होती हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 ABCD पैरामीटर्स के लिए। तो यहां पे जो V1 I1 है ये है डिपेंडेंट पैरामीटर्स, जो कि डिपेंड कर रहे हैं V2 और I2 पर। V2 और I2 हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर सोर्स। ABCD ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स हैं, अथवा ABCD पैरामीटर्स हैं। तो इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, A इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि V1 अपॉन V2 है तो वोल्टेज का रेशियो है, वोल्टेज आपस में कट जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, एक ही, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है नो यूनिट। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो I2 इज इक्वल टू 0 करने पर हम A प्राप्त कर रहे हैं V1 अपॉन V2, और जब हम I2 इज इक्वल टू 0 करते हैं मतलब आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं, तो ओपन सर्किट पैरामीटर्स के बारे में हम सोचेंगे। ओपन सर्किट पैरामीटर हमने दो फाइंड आउट किए थे जब I2 बराबर 0 किया था, कि Z11 बराबर V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0, Z21 बराबर V2 अपॉन I1 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम Z11 अपॉन Z21 करें तो हम सेम पैरामीटर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ए है विच इज V1 अपॉन I1 अपॉन V2 अपॉन I1। I1 से I1 चला जाएगा तो यहां पे बचेगा V1 अपॉन V2 व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैंने ए को जेड पैरामीटर्स की फॉर्म में भी लिख दिया है, एट ए इज इक्वल टू Z11 अपॉन Z21, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बी। बी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से देखिए, पहली इक्वेशन से बी इज इक्वल टू बी वन अपॉन आई टू व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे हम, देखिए यहां पे नेगेटिव साइन हो रहा है, माइनस बी वन अपॉन आई टू व्हेन V2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार हम आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किटेड कर रहे हैं, तो ये जो पैरामीटर होगा ये शॉर्ट सर्किट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे इसको बी को, और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर होते हैं एडमिटेंस पैरामीटर। चूंकि हम जानते हैं कि Y21
इज इक्वल टू आई टू अपॉन वी वन वेन वी टू इज इक्वल टू जीरो। ये एक शॉर्ट सर्किट पैरामीटर है आई टू अपॉन वी वन। अब इसको देखिए, ये है वी इज इक्वल टू माइनस वी वन अपॉन आई टू, जो इसका मतलब ये हो गया माइनस वन अपॉन वाई टू वन। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वाई टू वन। अब क्योंकि ये एडमिटेंस के अपोजिट है और v1 वन अपॉन आई टू है, तो वोल्टेज बटे करंट है, तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम। इसका मात्रक हो जाएगा ओम। ठीक है, अब इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर टू से c ज्ञात करेंगे। c इज इक्वल टू आई वन अपॉन वी टू, c इज इक्वल टू आई वन अपॉन वी टू वेन आई टू इज इक्वल टू जीरो। आई टू इज इक्वल टू जीरो मतलब जब आउटपुट करंट जीरो हो अथवा आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट हो, ऐसी स्थिति में हमें सी प्राप्त होता है आई वन अपॉन वी टू। अब आई वन अपॉन वी टू एक तरह से ये हो गया एडमिटेंस, बट क्योंकि ओपन सर्किट कर रहे हैं इसलिए हम गौर करेंगे इम्पीडेंस पैरामीटर्स पर। और हम जानते हैं कि जेड टू वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन आई वन होता है वेन आई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जेड टू वन इक्वल टू बी टू अपॉन आई वन वेन आई टू इक्वल टू जीरो, इसलिए ये लिखा जाएगा वन अपॉन जेड टू वन। ठीक है, तो ये हो गया सी पैरामीटर, जो कि एक तरह से क्या है, इंपीडेंस का उल्टा है। तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा मोह या फिर ओम इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट डी पैरामीटर, सेकेंड इक्वेशन से d इज इक्वल टू आई वन माइनस आई वन अपॉन आई टू वेन वी टू इक्वल टू जीरो। माइनस आई वन अपॉन आई टू वेन वी टू इक्वल टू जीरो, जब आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड हो ऐसी स्थिति में करंट का जो रेशियो है, इनपुट करंट बटे आउटपुट करंट का रेशियो है, वो d है। और क्योंकि हम देखते हैं जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो हमें एडमिटेंस पैरामीटर की याद आती है, और एडमिटेंस पैरामीटर में हम जानते हैं वाई वन बराबर वी आई वन अपॉन v1 वन वेन वी टू इज इक्वल टू जीरो, एंड सिमिलरली y21 टू वन बराबर आई टू अपॉन वी वन वैन वी टू इज इक्वल टू जीरो। यहां से देखिए आप कि जब अगर हम y11 वन वन अपॉन वाई टू वन कर दें तो यह जाएगा i1 वन अपॉन आई टू, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे d पैरामीटर आ जाएगा हमारा माइनस y11 वन वन अपॉन वाई टू वन। तो इस तरह से हम रिलेशन भी d और y पैरामीटर्स में लिख सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये करंट गेन एक तरह से है और दोनों करंट हैं अंश में और हर में, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसको लिखेंगे हम नो यूनिट। ठीक है, तो ये हुए हमारे एबीसीडी पैरामीटर्स। एबीसीडी पैरामीटर्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल देखेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू।